हूँ, मैं हूँ सदफ उमैर और मैं हूँ उमैर लगारी। जैसे कि आप जानते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्रो में ये कहना चाहूंगा कि हम इस ईद में सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हैं, उसी की याद में ये ईद मनाई जाती है। और इस वक्त जो मेरे और सदफ के देखने वाले हैं और इस द लाइफ टीवी डॉट टीवी के देखने वाले हैं, उन सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और उन सब लोगों को जो इस वक्त हज परफॉर्म कर चुके हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक। मेरे ख्याल में सदफ हमें अपने गेस्ट को बुलाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस वक्त ये कहेंगे कि यार ये दोनों से बातें किए चले जा रहे हैं, अपने गेस्ट को नहीं बुला रहे। बिल्कुल सही कह। तो आइए अपने पहले गेस्ट, हमारे बहुत अच्छे और पुराने आर्टिस्ट, जो मैं अगर आपको बता दूंगा कि वो किस नाम से पहचाने जाते हैं तो आप फौरन गेस कर लेंगे कि हाँ ये हैं। उसका थोड़ा सा हम क्या कहते हैं उसे कि तजस्सुस रखते हैं अपने नाज़रीन के लिए। और आइए मिलते हैं आपके, हमारे और हम सब के बहुत प्यारे बहरोज सब्जवारी। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम बहरोज भाई, आपकी मुबारक। नाज़रीन चलिए अब चलते हैं अपने गेस्ट नंबर टू की तरफ। उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, मतलब पाकिस्तानी टीवी और फिल्म के बहुत बड़े नाम माशाल्लाह से, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं तो बचपन से भी बचपन तक मतलब देखूँ। हाँ क्या हो गया तुम्हारे सदफ के अबू के बहुत पुराने दोस्त, और सदफ के अबू ने उनके साथ कोई मेरे ख्याल में कुछ स्टेज शोज वगैरह भी किए हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें मुझे पता चली हैं कि आज उनकी बेगम के सामने मैं जरूर पूछूंगी। हमारे बहुत प्यारे फिल्म और टीवी के, बल्कि मैं कहूंगा कि इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जिनकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास, मुनव्वर सईद एंड मिसेस। आइए अब हमारे नहीं, अब हम जिनको बुला रहे हैं वो हैं बड़े गबरू जवान। और नहीं नहीं, कहाँ रह गया बेचारा गबरू, वो भी डेटिंग कर रहा तुम्हारी तरह। अच्छा। नहीं, लेकिन हमारे मुल्क का गबरू जवान है और उनकी एक प्यारी सी वाइफ, छोटी छोटी सी क्यूट। अच्छा पहले 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 मैं अपने उस दोस्त का इंट्रो ऐसे करवा दूं कि पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा और बड़ा नाम, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर, और मजे की बात वो कहते हैं ना कि उनके गले में भगवान बोलता है, तो भाई वो इतना अच्छा गाना भी गाते हैं कि हम तो कहते हैं यार चलो भगवान ही गाता होगा। खैर बुलाते हैं आपके, हमारे हम सब के बहुत प्यारे टीपू शाह। हम साथ बिठाते हैं, उधर नहीं लेके जाते, टीपू ये समझ रहा है कि घर में है। हाँ, बस ऐसा ही समझ लें कि हमने घर में ही बुलाया है। तो कैसी चल रही है आज की ईद? ऐसी चल रही है आज की। अच्छा ये बताएं बहरोज भाई कि भाई ये तो सारे नॉर्मल से कैजुअल से सवाल है कि क्या करते हैं ईद पे, क्या कर क्या नहीं करते आज है? की खास बात पता क्या है आज की, जो मेरे लिए बहुत कि मैं मुन्ने भाई के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, और ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे दोस्त हैं, यानी ये सारी चीजें एक साथ हैं। मुन्ने अंकल तो हमारे भी दोस्त हैं। तो बात हमारे साथ क्या दोस्त हैं, तो सबके
आपके दोस्त हैं। हमारी बात यही है कि ये शफकत मैंने मुझे मैसर आई कोई 46 बरस पहले और मैं बहुत खुश नसीब हूँ और भाभी मौजूद है। शादी जब हुई थी मैं उस वक्त भी मौजूद था और माशाल्लाह मैं बहुत आज की बहुत अच्छी। मैंने मनु अंकल के साथ काम भी किया है और इसके अलावा मेरे ससुर से बड़ी बातें पता चलती रहती है कि हम ऐसे करते थे या वैसे करते थे। कल रात को मैंने जैजी को बताया कि मनु अंकल आ रहे हैं, कहते अच्छा मेरा साइड जो है अपनी बातें तो बताओ। मैंने कहा कि सामने करनी ही नहीं करनी है। मैं आज रात को लग रहा हूं हां जो है और की हमारी बेटी को वाली उस हवाले से तुम मेरे दामाद हुई और ये मेरा बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। और असद हमने ड्रामा किया था आज के ही सबसे पहला पाकिस्तान अच्छा 1960 में किया गया। उस ड्रामे का नाम था दरबारी मॉडर्न मुगल आजम। अकबर मैं बना था उसमें और बेटा सलीम वो बना असद। अच्छा टीपू और भाभी माशाल्लाह से वाह क्या बात है, कितने बच्चे हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तीन बेटियां तीन माशाल्लाह खुशी और साथ मतलब रहमत ही रहमत। चार कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है, इतने कितने बकरे और गाय हलाल की तुमने ये बताओ। अभी तक तो जो है वो आप लोगों की शादी मनाई जा रही है और बकरे बकरे हरा तो कल मैं करूँगा। और लेकिन वही वाली बात जो गरोज भाई कह रहे थे आज किस लिए बड़ी अच्छी है, मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं मुनू भाई के साथ हूँ, गरोज भाई के साथ हूँ। जो रिश्ता गरोज भाई ने अपना मुनू भाई के साथ बताया मेरा ऐसा ही रिश्ता क्या कहते हैं गरोज भाई के साथ है और मुनू भाई के साथ है। और जब मैं कभी बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं सर को कॉल कर लेता हूँ तो ये हमेशा मुझे कहते हैं नहीं ठीक है आराम से ईजी होता है ईजी सब ठीक हो जाएगा। परेशानियाँ कौन सी होती है आपके साथ सबके साथ ये सिचुएशन तो चलती रहती है मतलब गैप आता है जो हालात से हम गुजर रहे हैं पिछले कई सालों से तो आर्टिस्ट को ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ में आता है। सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपने मुझे यूं किया तो मैंने कहा आई का ये सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी ये है कि उनको कुछ होए ना कहूं आई ये है सेंसिटिविटी। एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट तो वैसे ही फील करता है ना तो डिफरेंट कैरेक्टर वैसे ही करो तो वैसे ही सेंसिटिव हुआ होता है। अगर वो उसकी नेचर हार्ड होगी या एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा किसी चीज को देख के वो कैसे परफॉर्म कर सके। हाँ यार मैंने इस कैरेक्टर में आना है, मैंने इस कैरेक्टर आपने अपनी जात छोड़ के उस कैरेक्टर में जाना और फिर वापस अपनी जात। तभी तो वो आर्टिस्ट होता है, तभी तो वो आर्टिस्ट होता है। ये काफी सुनने को मिलता है मुझे। इसकी वजह से अगर मैं ये कर लेता तो मैं लाइफ में आगे कुछ चीजें इंसान रिग्रेट करता है या कुछ ऐसी चीज होती है कि यार ये कर लेता तो आज मैं ये होता। क्या कोई ऐसी बात है आपके उसमें उस पर आपको रिग्रेट हो कि हाँ यार ये अगर मैं कर लेता तो आज मैं ये कर पाता। नहीं बेटा, मैंने जो कुछ किया है मैं बिल्कुल मुक्त हूँ और पूरे कन्विंस होके किया है, पूरी कंडीशन के साथ मुनाफिक के साथ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको हमारे शोबे से? मुझे शोबे से और 1960 में से उससे और एक साल पहले जब मैं पाकिस्तान नहीं आया था तो मैंने एक ड्रामे की टीम होती थी, सॉन्ग की होती थी, ड्रामे की टीम मैं था। तो उसको शोज फेस्टिवल में जाने से पहले यूनिवर्सिटी में होते थे, वो शो हम कर रहे थे। ड्रामा था शाह साहब, उसमें शाह साहब का कैरेक्टर मैंने किया था। वो देखने आई हमारे वाइस चांसलर थे तंग बशीर हुसैन थे, उनकी बेगम खुशिया थे जिनकी बेटी शमा जैदी जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी
गर्म हवा बहुत अच्छी है। शमा रेड्डी वो खुद भी थिएटर में काम करती थी, उनका थिएटर था हिंदुस्तानी थिएटर के नाम से, तो मेरा ड्रामा उन्होंने जब देखा क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मैं बी एस सी का इम्तहान ले रहा हूँ फाइनल सुन जाएंगे दिसंबर में, तो उसके बाद अखबार तो ये इंजीनियर बनू, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं एक्टर बनू और स्टेज पर। ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, थिएटर अपना ये क्यों पैदा हुई ख्वाहिश के वहाँ एक थिएटर का ड्रामा लेकर आए थे पृथ्वीराज साहब, उनका थिएटर था वो अलीगढ़ में लेकर आए थे, कश्मीर में सिनेमा था वहाँ उन्होंने शो किए थे और उसका नाम था शकुंतला। कवि कालिदास की एक बहुत मंजूम ड्रामा है शकुंतला, उसमें इतनी गहरी और गाढ़ी हिंदी थी कि वो संस्कृत लगती थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं देखने गया, देखा मैंने जाके तो 15-15 मिनट स्टेज पे अकेले पृथ्वीराज साहब बोल रहे अकेले, लेकिन लगता था कि स्टेज था, तो वो देखते मुझे एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी ऐसे ही ऐसे ही बनू, तो मैंने कहा मुझे थिएटर का शौक, वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका जो इंस्पायर हुए आप उनसे वो पृथ्वीराज। सर मैंने सुना है कि आप क्या बारे में बहुत खुश खुराब थे सर, हमेशा से हमेशा से दादी भाई से मैंने बड़ा सुना है कि आप, हमने तो देखा है भाई, यानी आप कुछ शायद यकीन ना है और देख रहे हो सुनने वाले माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो नहीं है, 8 रोटियां तंदूरी माशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं, कसरत भी उड़ी करते थे सर, नहीं नहीं बड़े ताकत और बहुत मजबूत एक्सरसाइज सारी उम्र एक्सरसाइज आज भी करता, तभी तो आप फिट हैं हमसे भी ज्यादा माशाल्लाह। आज मैं ये बात तुम बच्चों से ये कहना चाहूंगा, देखो अपने लिए 18 घंटे 30 घंटे काम करते हो ना, जरूर करो, लेकिन अपने लिए 1 घंटा नहीं काटो, जरूरी है उसी वक्त जरूरी, और कुछ नहीं कर सकते, जिम जाना मुश्किल हो रहा है या कोई और मसला है वो बहुत कर रहे हैं, बेहतरीन चीज है और उसने ही मुझे खड़ा रखा हुआ है कि मैं अपने बच्चे के सीने हैं और उनके भी बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, आपके साथ खड़ा होकर काम करता हूँ। ज्यादा इसलिए करता हूँ जरूर, क्योंकि उसका 1 घंटा मुझे मौका मिला सारे शोरों का मसला सारा मसला सही बात है। मुझे ये बताएं कि आप एक वर्सटाइल अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना चैनल्स हो गए हैं, काम बढ़ गया है और लोगों की गुजर बसर होती है, प्रोफेशन है अच्छे ये टीचर है, पता है आपको ये पढ़ाते रहे, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया है, और उसके बाद ये एक्टिंग लाहौर गए और फिल्म इंडस्ट्री जाने किया है सर, तो कैरियर बनाया, फिर कैरियर बनाया और भरपूर बनाया, मैंने टीवी उस वक्त तक कैरियर नहीं था, उसकी वजह भी टीवी से ना पैसे मिलते थे इतने, नहीं याद है मैंने 98 में एक जिगत आपा के साथ जिगत चौधरी के साथ एक डांस ड्रामा किया तो मुझे 2000 रुपये का चेक मिला, मैंने देखा मैंने कहा 23 दिन तो मैंने इसकी रिहर्सल और 3 मैंने शोज किए, मैंने चेक कराया और बाखुदा मैंने ऐसे किया, मैंने कहा सर इधर से एक रिक्वेस्ट है, इन पैसों की ना जितने भी हमारे कैंटीन के बच्चे हैं ना इनको चाय पिला, खुदा मैंने वो चेक नहीं किया। मैं वही बता दिया तुम्हें बहुत आपकी अपनी दिल की जो
कैफियत थी इतनी मेहनत के बाद तुम बाजार में हो, सही है, आप बेहतर समझते हैं आपने कैफियत। लेकिन अब जो नए हमारे बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे हैं और एक से एक है बहुत टैलेंटेड, बहुत माशा, तो बड़ी खुशी होती है, ऐसी खुशी मेरे ख्याल से बहुत कम है। आपके साथ आपको याद होगा कि हमने एक टेलीफिल्म की थी शुरू शुरू में जब मैं नया नया आया था बिल्कुल, तो वो मुझे जब कास्ट किया डायरेक्टर ने, उन्होंने कहा कि जी आपके साथ जो है बहरोज सब्जवारी होंगे, मैंने कहा बहरोज भाई होंगे, कह रहे हाँ वो बहुत, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कैसे भी उनके साथ ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब मैं सेट पे गया हूँ, बहरोज भाई के साथ काम किया है, बहरोज भाई ने जिस तरीके से चीजें बताई, जिस तरीके से अच्छा ये नहीं हो रहा ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पता है, ये ट्रांसफर एग्जैक्टली जो हमें मिला एग्जैक्टली, ये मैं 10 बरस का था तो ये मुझे अमेरिकन काउंसलेट लेके जाते थे, वहां पर ये लोग खड़े होके बोलते थे, मुझे स्टूल रख के ये मुझे खुद लेके जाते थे, घर से पिक करते थे, मुझे लेके जाते थे। मतलब आप उन खुश नसीबों में से हैं, मैं वो ही कह रहा हूँ जिनको ट्रेनिंग्स मिली है, जिनको बड़ों के साथ जो है काम करने का एहसान और ट्रेनिंग के साथ साथ बेहतरीन वक्त गुजारा, बेहतरीन जैसे कहा ना बहरोज ने अभी के मैं और दोस्त भी बड़ा दोस्त हूँ, दोस्त होना बड़ा नाजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम और तरबियत की बजाय एक वर्ड कर देना चाहिए, तरबियत और तालीम, पहले तरबियत होती है फिर तालीम। अच्छा टीपू मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह शादी के बाद से जो ईदें तुम गुजार रहे, शादी से पहले और बाद में क्या फर्क? शादी से पहले और उसके बाद, मतलब माशाल्लाह बेटियां भी हो गई हैं, अब क्या डिफरेंस फील होगा? बहुत सारे लोगों ये बात लगी, लेकिन सच सच जब शादी से पहले ये होता था कि यार बस सोना है, टाइम मिल जाता था, स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज्यादा और कुछ खबर ही नहीं थी, बहुत आवारगी वाली जिंदगी थी, जैसे होता है खावा जो बैचलर लाइफ, बैचलर लाइफ आज ही रहा, बात मिल लूंगा यार घर वाला दोस्त को मिला, फैसला बात नहीं किया, अरे यार बेबे सोने देना यार। और जब फिर नमाज पढ़े लोग मिल रहे हैं, हमारे साइड से पकड़ के घर पहुंचा, उसके बाद शादी के बाद ये होता है कि अब तो ये है कि अभी ईद आई भी नहीं होगी तो पहले बच्चों का एहसास होगा यार इतने कपड़े लेने हैं, इनके लिए लेना, पर वो शादी के बाद इंसान जो है ना वो सेल्फ, अपने जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना उससे बाहर निकल आता है और उसका वो जो होता है ना अब सेल्फलेस हो जाता है शादी पर। उसके बाद बेसिकली मैं तुम्हारी बात अगर कंप्लीट करूं तो वो ये कहा जा सकता है कि हाँ उसके बाद इंसान अपने लिए जीना छोड़ देता है, हाँ अपने बच्चों और फैमिली के लिए जीना शुरू कर देता है। शादी के बाद मुझे लगा कि अब मैं टीपू नहीं हूँ, मैं हाजरा का मियां थी हूं। और जब बच्चे हुए तो मुझे लगा अब तो भाई गेम बैग का बैग का रोशनी खुशी और ताबीर का अब्बा है। ये बताएं कि बच्चों का काम करते हैं घर पे, नहीं करते? मैं नहीं करने देती हूँ, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करने देती, क्योंकि मैं वो इसलिए भी करने देती है बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, देनी है। इससे बचा के रखी है ये बच्चों को, समझा रहा है ये जितना मर्जी उनके साथ कर ले, उन्होंने आते ही घर के बाबा बाबा ये तो है घर में इंटर तो बाप के गले में लड़के बच्चे ना समझ बच्चे सच्चे भी होते। अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा वापस आइएगा, हम यही बैठे हैं आपके इंतजार।
done designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले एक साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी एक कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैं बहुत मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया, मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ और मैंने कुर्ताज के दामन पर काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। मटीरियल मेरे पास शफोन टी नेक और लेसिस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन ली आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोतिया को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जैसे ये है कि अंधरका और गाउन को मिक्स करके कट किया है, उसके सबसे कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का उपयोग आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक। अकॉर्डिंग देयर पर्सनैलिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइजेज आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 टू ऑनवर्ड्स। सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर सेम। लाइव की सुबह मैं आपको अनुमत मैं आपकी होस्ट हर्ष शामली कहती हूँ आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelivetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज़ से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है और मीठी मीठी बातों से और तभी अच्छा। मेरे साथ रोज होता है हमारे फर्स्ट सेगमेंट हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासत है। गेस्ट का उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे पॉलिटिक्स पे बातें किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुंचाएगी इंशाल्लाह कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जमातों के लिए मजीद अगर तैयार रहे, दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा हिस्सा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है माय थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्माई से पूछ रही हूँ। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे के ना मेहंदी शर्माती है सो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल हमेशा कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग www.facebook.com/thelivetv।
आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं Do your feedback on our FB page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग इस वक्त एक बात को बहुत एंजॉय कर रहे थे जो मुन्ना अंकल ने की। बेसिकली बहरोज भाई का एक फोन आया, बहरोज भाई ने निकाला, हेलो हाँ ठीक है अच्छा मैं रिकॉर्डिंग में वो ऑफ करना भूल गए थे उनका, वो क्या वापस रखा उन्होंने। उसके बाद वो उसको कहते मैं साइलेंट कर लू, हम सबको बोला, फिर वो ढूंढने लगे कि साइलेंट का होना है, तो बराबर में मुन्ना अंकल बैठे, मुन्ना अंकल कहते बेटा जिसका है उसको दे दो ताकि वो साइलेंट कर दे। हम लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं, हमने कहा ये जो चीजें आती है ना क्या कहते हैं इसे कि फिल्म बंदी जो आमद होती है उसमें मजा आता है। स्टेज शोज में भी यही होता है, मोस्टली जो स्टेज पे आप लोग शोज कर रहे थे उसमें भी यही होता है कि फिल्म बंदी जो अच्छा बोल सकता है ये सब में नहीं होता, लाइव शो लाइव शो। अच्छा उमेर ये हमने दिखाने के लिए खाने के लिए रखा है तो मैं हाँ प्लीज तुम्हारी उस वक्त से नजर है टीकू ले सकते जिस चीज पे नजर होती है मैं ले लेता हूँ, अगर चाहो तो मैं सर्व कर दूँ प्लीज यार मैं बेगम को उठाना चाह रहा था सर की थी वो मैंने अभी आप डाइटिंग तो नहीं कर रही ना थोड़ा सा कुछ ये नट्स थे ये मैं उमेर को ना उमेर पिछले तीन घंटे अच्छा कभी कभी टीबू होता क्या है कि इंसान का दिल चाहता है थोड़ी जोर से लड्डू खाने का, लड्डू की इजाजत अभी है पूरा दिन है आप क्या लेंगे आप ये मत समझे कि आप शो में आई नहीं, आप हमारे घर पे आई नहीं है, हम सब करेंगे आपको। अच्छा मुझे ये बताओ घर में क्या बन रहा है, अच्छा क्या बनाती है ये बताएं कि आप अच्छी डिश दही बड़े हमारे अच्छा बनाते हैं, बनाती है। और मनु अंकल को क्या पसंद, दही बड़े चने इस तरह की चीजें फौरन की जाती है। अमूमन मैंने घरों में देखा कि पहली चीज जो आती है ना कलेजियां कलेजियां तो हमसे पूछो कलेजा अच्छा लेकिन ये जो है मेरी माशाल्लाह से कह रहा हूँ ये बाय तो फिर वादा कीजिए प्लीज तुम सब इनवाइटेड हो मगर ईद के लिए बर्थडे तो पाए ला के रखे जाते हैं सफाई होती है मैंने लाहौर में खाया है
ईद वाले दिन अम्मी ने पाए भी बनाए हुए होते हैं, खट्टी दाल खास तौर पे बनती है, सब फरमाइश कबाब बनते हैं, बैंगन बनते हैं, बहुत सारे बैंगन का कुर्ता बनता है, वो सारी चीजें। अच्छा फिर उसके बाद सदफ शादी हुई, इसे कुछ नहीं आता था, इवन रोटी पकानी नहीं आती थी, ये भी ऐसी थी, ये शादी से पहले से कुछ बनाना नहीं। अच्छा उसके बाद जब उसके सर पे आती है तो अच्छा खासा बनाना। अच्छा फिर मियां के ऊपर वो करती है कि आपकी वजह सीख रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। सही बात है ना, मतलब मेरी जब मंगनी का सबसे बड़े पहले जब मुझे डांट पड़ी माँ की, वो ये पड़ी थी कि बेटा बड़ा खाने का शौकीन है वो, और तुम्हें कुछ नहीं खाना आता। क्या खाने के शौकीन? मेरी माँ तो मेरी मदद से बैठाती होती थी, बेटा मेरी बेटी को कुछ नहीं आता बनाना। मैंने कहा चाहे जैसा मर्जी बनाए, खाना मैंने इसके हाथों का ही। अच्छा शुरू में मैंने भी यही किया, मैंने मैं अम्मी के साथ बैठा हुआ सदा खाना पका, कैसा है उसको कुछ बोलोगे तारीफ करोगे तो वो कुछ बना करना पड़ता है। हमेशा अच्छा खाना खिलाया है शुरू में भी खाना बनाते, एक मरतबा नहीं बोला खाना पूरा। और सारे खानदान वाले कहते हैं कि सदफ वैसे ही बनाने लगी है जैसे मेरी अम्मी बनाती है, बेटियों के हाथ में जाता है। हमारी बच्ची आप वही कह रहे थे, वो मेरे साथ रह के मुन्ना हुई ना शुरू में। अच्छा सारे से इसे भी ठीक बना दिया ये सही। वैसे आप एक बात, ये बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं कि मेरी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आना शुरू हुई है काफी अरसे के बाद, वो सदर की वजह से। ड्रेसिंग ये करनी है, स्टाइल ये रखना है, बाल का स्टाइल चेंज करें, ये करें, ऐसे करें, वो सारा सदर ने ग्रूम किया। और कामयाब इंसान के पीछे एक और नाम के पीछे भी औरत का हाथ होता है भाई। अच्छा आंटी आपसे शुरू में कभी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां नक्शे पे बनते हैं? नहीं मैंने तो ये बताया ना, मैंने डाटा थोड़ा बहुत सीख के गई, लेकिन मुझे ये बात मैंने बहुत बड़ी बात की, जिसने रोटी पकाई मेरे पर कुछ भी नहीं बोले, आप कहेंगे अच्छी है आपके वो चीज़, तो मैंने कहा आज मैंने रोटी पकाई थी, मैंने कैसी की मेरी तो बहुत बड़ी बात थी रोटी पकाई, बाद में इंकरेज किया ये चीजें पाए हुए। और यहाँ के नक्शों का क्या हाल था? हमने तो कहा बिस्मिल्लाह, जो भी आना बस बिस्मिल्लाह करके खा ले। मैंने सीखा भी ज्यादा। मैंने नहीं कभी बोला। नाज़रीन ये मजे मजे की बातें हमारी चलती रहेंगी, अब हम चलते हैं एक और छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस। ट्रेन करता है, वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को
कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसएबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज कस्टमाइजेशन. वी बिलीव इन वर्किंग टू वेज. टू वेज इन अ वे वी आस्क आवर क्लाइंट व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट्स. सो लिस्ट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स, वी स्कैन इट एंड वी कॉल आवर क्लाइंट टू कम टू आवर ऑफिसेस and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. सैयद फिरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं. कुरान जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौहर में अलग अलग तलाक दी जाती है. ये है सुन्नत तरीका. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों का मौत है. दीन अगर लफ्ज के दिए तो वो तीन तलाक ही शुमार हुआ. कुरान कहता है तलाक होगी, दो तलाकें वो भी दो दफा होंगी, एक दफा में नहीं. तो तीन तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा. ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है. हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया. हर चीज में आपके मतलब तीन को तीन गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपकी तीन को तीन क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ. लोग समझते हैं जब तक तीन दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है. एक दफा तलाक कहने से भी तलाक आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने तीन नहीं दी, एक दी है, ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी. ये कितनी अजीब बात है, मौलाना साहब के हम रसूल अल्लाह का कौन पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौन पेश कर रहे हैं? आप एक मसी के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? www.thelifetv.tv पर आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया. मैं रेहान अल्लाह वाला साहब. ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए. आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है? पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर भी अपनी कॉम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें. लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा. क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं. हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में. कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है. अच्छा. हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है. हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए.
आए हैं लेकिन वापस आने के बाद मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा। नहीं, अफसोस के साथ नहीं कहना पड़ा, दिल लेता है कि वो जाएं अभी। असल तो देखे आज की जो ये बड़ी जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा मसूलियत वाली है। एग्जैक्ट, अगर आप बाय लार्ज देंगे तो जरा सा कुछ मेरा आपकी कमिटमेंट है, आपने हमें बताया बिल्कुल की मसूलियत लेकिन ये वाली बुकिंग हमने बहुत पहले करा ली थी, तो आज टीपू वाला काम मैं कर रहा हूँ। आपने हमारे शो को इज्जत बख्शी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, चले गए, कुछ बहुत उदास सा हो गया, कुछ गाना वाना हो जाए यार, इतना अच्छा गाते हो तुम माशाल्लाह, हो जाए कुछ ना कुछ। तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं हो लबना, तेरे बिन रूह दा इलाज चुके जो नखरा मेरा, निमसारा कुंके बेखया अमरीका रूस मलेशिया, ना किथे भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी, कोई बंदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, ना कोई मनदा मेरी सी गला, ना कोई मनदा मेरिया गला, तेरे बिन और ना किसे मननी मेरिया गला, तेरे बिन और ना किसे करनी तुप विच छा, मिले आसी अज मैनू तेरा एक पत्रा। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि टीपू बहुत अच्छा गाते हैं और टीपू ने ये बात प्रूव की है, टीपू वेल डन। एल्बम हो जानी चाहिए अब। वैसे तुमने ये सोचा था कि हां बैकग्राउंड सिंगिंग स्टार्ट की है प्लेस में, फिल्म्स में, मुझे लगता है कि वरना गाना पहले वो उसके लिए कुछ दो तीन महीने मुझे लगता है टाइम चाहिए, मैं जरा माइक पे आके देखूं कैसा लगता है। वैसे तो आप होते हैं क्योंकि माइक भी एक कैरेक्टर जिसके बड़ी एक्सेप्टेंस है, अच्छा तो मुझे पता है कि एक अलग अलग टैलेंट तो दिया, मगर कहा सांस ऊपर, मैं चूंकि फोक अच्छा गा लेता हूँ तो उसमें मेरी बचत हो जाती है, लेकिन जब मुझे ऊंचे सुरों पर जाना है तो मुझे खुद अपनी कोताहियां पता है। सिंगर्स का भी यही होता है ना कि यार कोई सिंगर कवाली एक अलग चीज है, फिर पॉप अलग चीज है, वो अलग चीज है, सारी चीजें डिफरेंट 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 है ना, तो कोई सिंगर किसी में एक्सपर्ट है, कोई सिंगर किसी में। चक्कर ये बंदे को, ये तो है बिल्कुल सही बात है, लेकिन बंदे को अपने आप के साथ सच बोलना चाहिए, मुझे लगता है। मैं मेरा बड़ा दिल में, मैंने एक इस मिट्टी जान का मैं हूँ सूफी इकराम का कलाम जो है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो एक एल्बम बनाऊँ तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए गिफ्ट हो, के जो हमारे सूफी इकराम है, चाहे वो खुशहाल खान खट्टर है, चाहे वो सच्चा सर मस्त है, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह है, मधुलाल हुसैन है, आपकी आपकी इसी अच्छी सी बात के साथ हम अपने पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे और बड़े सिंगर को बुलाना चाहेंगे जिनकी तारीफ में कुछ यूं कहूंगा कि वो किंग ऑफ मौसीकी हैं पाकिस्तानी, और फोक प्लस जिसे कहा जाए पॉप, उसका फ्यूजन पहली दफा उन्होंने पाकिस्तान में किया था, और आज भी मैं तो उन्हें उनका भी जब मेरी मुलाकात हुई है उससे पहले तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा इनका क्या कमाल आप रेडियो का शो भी करते हैं, बहुत मजे के हमारे सिंगर, आप उनसे वैसे भी मिलेंगे तो इतने अच्छे हैं और इतनी बात करते हैं और बहुत सारी फिल्में भी की हैं उन्होंने, मजे की बात। आपकी और हमारी सबकी तालियों में मोहम्मद अली शाह की। कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह किसे कर भैया। सिंगिंग फॉर वेरी गुड सिंगिंग सर, माफी चाहता हूं मैं मेरे सामने मैं आपसे पूछ नहीं सका, बहुत अच्छा है यार, मतलब ये
आपकी भी बहुत अच्छा आपकी बहुत अच्छा आपका काम तो बहुत अच्छा लगा जोश एंड यू आर सिंगिंग सो सुपर बड़ा अच्छा गाने थे सुना के आप प्लेबैक सिंगिंग मतलब प्लेस के लिए किया करें आपकी आवाज बहुत सुन अच्छा शेखी भाई के एक बहुत पुराने मैं कहूँगा कुलीग हैं हमारे अब तो हमारे साथ ड्रामों में काम भी कर रहे हैं मैं बॉस सारे सोप कर रहा हूँ जो मेरा घर उन्हीं का घर दिखाया जाता है मैंने कहा सूट करता है भाई आपका घर मेरे करेक्टर जो भी करेक्टर ले लूँ तो हमारे और बहुत मशहूर ड्रमर ड्रमर तबला बहुत अच्छा बजाता तबला बहुत अच्छा बजाता तबला तो मुंह से बहुत अच्छा बजाते हैं उसको छोड़े लेकिन उनकी जब घर में हम रिकॉर्डिंग वगैरह करने जाते हैं तो तस्वीरें लगी होती हैं ड्रम के साथ बैठे हुए गुरवेद मुराद स्टाइल में और मतलब कमाल के ना जुबैर जकरिया आप सबको क्या हाल है अलवर भाई बस आप ही खाए कितने बकरे और गए यार बात हम मुर्गी में मुर्गी में हिस्सा डाला भाई तो मुर्गी छोटी वाली आपने रखी हुई उसके बाद उसकी स्टेम सबसे पहले तो मैं thelivetv.com पर मैं बहुत thelivetv.tv सॉरी thelivetv.tv और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे शेखी हम सबको यहाँ बुलाया शेखी मेरा एक्चुअली बचपन के दोस्त हैं हमने साथ ही इंडिया का आगरा से 1971 की बात कर और मैंने आई हमने एक बैंड बनाया था उसका नाम था द लोकोमोटिव्स उनके नाम सुनने सलीम मंदा इमरान बंदर ये नाम जुबैर शोहरा उनका मैं कुछ ही बोलूंगा इस बात मैंने नाम नहीं रखा था खरोड़ा करो सही बात है एक मशहूर हुए थे खरोड़ा आप उन्हें मैं एक्सप्रेशन से चेक कर रहे हैं और हमने साथ इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया और अमेरिका में अच्छा जुबैर भाई की एक बड़ी मजे की चीज वो जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि मुंह से ये ड्रम बजा सकते हैं मजे का बजा सकते हैं तो उसका एक छोटा सा शशका हो जाए हमने तो कई दफा सुना अच्छा, मुझे, मुझे जब इन्होंने पहली दफा कहा कि गाना गाती हूँ मैंने कहा हाँ आप ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी कितने आओ तबले में अच्छा ठीक है अब तबला अपना नजर नहीं आया क्या करने वाले आओ तो सही और जो इन्होंने बजाना शुरू किया और एक शौक हो जाए थोड़ा बिस्मिल्लाह कोई सांग गाएगा नहीं 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 ये सिर्फ बजाएंगे बजाते बड़े अच्छी हैं एक ताल है उसका नाम है कैरवा आठ मात्रा की तो वो कैसे बजे जगह शो हम कर रहे थे शो बहुत ज्यादा अच्छा था बहुत सारे लोग थे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे ड्रम फट गया ड्रम भी फट गया और ढोलक भी उस लोग का वॉशिंगटन की बात है तो इन्होंने फिर वहां मुंह से बजा पूरा फंक्शन मैंने मुंह से बजाया जिसके जिसके आज तक पैसे नहीं मिले बहुत सारे सिंगर जब गा रहे होते जैसे मैं गाऊंगा तो बहुत ही बुरा लगेगा आंखों से आंखें इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो आपको समझ आएंगे उनकी तो बड़ी पसंद आएगी सर छोड़ दे उनकी बात ना वो जो है हमारा बच्चा जो ये आयुष का है उस सिंगर्स के लिए डॉक्टर ने परहेज
किसी ने कहा था कि नेगेटिव पब्लिसिटी से ज्यादा मशहूरी होती है, वो रिमिक्स भी दे रहे हैं अपना सर। जो आपका सबसे अच्छा गाना है, सबसे अच्छा कौन सा गाना है? सबके सारे गाने अच्छे हैं, कोई मैं तो बचपन से ही गाने बहुत पसंद था जो मैंने आपको एंट्री में बोला। इंतजाम है हमारे पास, आप बैठे यहीं बैठे, आपको भी ला देते हैं। असल में बेसिकली मैं प्रकाशन जी, आई कैन प्ले ऑल द रिदम इंस्ट्रूमेंट like tabla, drums, bongos, dholak, pakavachi, patka, jhimka, maksud bajane wali koi bhi cheez aisi kahan hai, main wale bajane koi ye bhi alag bata rahe ki de nahi hai koi। Acha hum break ke baad aate aur iski hum pehle setting le lete hain aur uske baad fir hum break ke baad wapas aate, warna aapke samne hum agar setting karenge to ajeeb se lagenge, hum situation mein cheezon khate ho jayenge। Nazar dete hain chhota sa break, we'll be right back। माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? धमाकों के लिए तैयार रहे। दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पक रहा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछ रही हूँ। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे के ना मेहंदी शर्माती है, सो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा, कि जब घास हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हो और आप उस जगह पे भाग रहे हो। से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और
अब मेरी लीड कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैं बहुत मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया, मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ, और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शफोन, थर्टी नेट और लेसिस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी, तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन ली आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोतिया को मिक्स करके काम करना, उसे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जैसे ये है कि हल्का और दाम को मिक्स करके कट किया है, उसके साथ ही कच्चे रेशम का काम है, आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है, अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं, और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है, और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं, गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। अकॉर्डिंग देयर पर्सनैलिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइजेज आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 टू ऑनवर्ड्स, सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर सिनेमैटिक। Assalamu alaikum, this is your host Zoe Vashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. And goes. Australia 2-2, England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. Got you,
सवारा दे मतलब जबान पे इतना हमने सुना इसको, इतना वो किया। ये गाना जब आता था तो आई वाज लाइक
चैनल चेंज नहीं करेंगे आप, कोई मुझे देखने आप जो देखने उस शांत बना कोई चैनल चेंज भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं आप भी कभी ही गाना नहीं आ जाता है ना तरह से, ये हम लोगों को याद है सबको, यानी मेरी तो है पैदाइश से पहले का गाना है तो देखा गाते हुए माशाल्लाह उस वक्त तो मेरे अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे ये अब देखो बहुत ठीक लगती है क्या बोल रहा है अच्छा एक और बात बताऊं मैं और बात मैं थे जेकिया का मेरा एक प्ले आया था मिस्टर बीजे और एंजिम भी चला साजिद हसन ने डायरेक्ट किया था और उस जमाने में मुझसे सिर्फ दो ही चैनल होते थे पी टी वी है और उसमें आज ही रिकॉर्डिंग मेरा नाम से ही था वो आज तक कर रहे हैं वो मैं आप यकीन करें वो प्लेयर मैं इसलिए नहीं भूलता मैं उसमें इसने मुझे असली चार्जे मारे मुझे मारने के लिए सिर्फ ड्रामे की अच्छे भाभी भाभी की हंसी बजा रही भाभी सीरियस हो गई एक्ट्रेस आई भाई मिलती यकीन कीजिएगा मैंने छेड़ा उस लड़की ने इन पर शिकायत की आप यकीन करें इसने जो मुझे मारा है चार पांच असली मारते और शीशा तोड़ा ये तो पता नहीं तो अपनी जो पुरानी मोहब्बत याद आ गई इसने तो मेरा बेड़ा कर कर दिया था यार अगर अदाकारी में ये जनाब फुल जोश में आ गया वही मेरी बात खुद की इनको पता नहीं था अब अगर मैं इनको मार रहा हूँ मैंने शर्मा से भी कहा कि ये जो है ना हार्ट के पेशेंट है अब हार्ट के नहीं भाई बोला गया बोलते शुगर का पेशेंट है मैंने कहा क्या कहते हैं तो यार देख लो क्या आप करने जा रहे हैं उसने कहा यार तुम कर लेना तो मारो करीब हफ्ते मारो ये भी अगर चाहे ना और करीब आ रहे तो मैं उनके करीब जो है अभी तो यहाँ पे लेकर तो मैं बता रहा हूँ पीछे यू करके हटा अगर मैं इनको मैं अपना दबाता हूँ अपना ही गला मैं बता दूँ आपको लेकर जैसे मैं बहुत जोर से दबा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं कर रही मैं दबा सही मैं बिल्कुल नहीं दबा रहा लेकिन आई हैव टू गिव रिएक्शन तो इनकी रियलिटी में आते हैं शुरू से इनके साथ चलो सच्ची का मार रिएक्शन और रिएक्शन हो आपका रिएक्शन बड़ी देर से आता है ना हां रिफ्लेक्सेस अच्छा आप बताइए उसी सदर में भुगतते हैं बहुत सारी फिल्म्स की आपने बहुत सारा सिलसिला तो उसमें शुरू शुरू में जब आप आए तो ये फाइट्स वगैरह होती थी कोई ऐसा कोई सिलसिला जिसे आपने किसी को पकड़ के फूंक दिया हो और वो बाद में कह रहा हो यार बहुत मारा है ये फिल्म मेरी जो पहली फिल्म अच्छा गर्दामा यही बनी थी 68 की बात थी बनी थी यहाँ इसके स्टूडियो में इसके डायरेक्टर थे बापू रफी रिजवी के बड़े बेटे मसूद अच्छा उसके हीरो थे कमाल साहब रफी ये कमाल जवानी जोरों पे थी मतलब उस वक्त ज्यादा जोरों पे शादी हो गई मेरी जो थप्पड़ मारना होता था वो सचमुच का ही मारना होता उसमें ये नहीं होता था आप रिएक्ट कर रहे हैं तो सचमुच के थप्पड़ शुरू हुआ बात हो रही है वो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहे हैं उसके बाद इस वक्त आया
देखो तुम ये करके मारना और मैं ऐसे कर दूंगा तो रिएक्शन आ जाएगा और आवाज बाद में डाल लेंगे मिक्सिंग में तो ये एक बात है बोलते लेकिन तमाशा इस कदर नफीस आदमी इस कदर नफीस आदमी थे लेकिन आपका थप्पड़ खाने के बाद यकीन ना निकल गया लेकिन उन्होंने कभी बताया मुझसे उनकी बड़ी मोहब्बत रही मेरे साथ हुआ था मैं दुबई गया हुआ था 2005 में एक सिंगल कह रहा शोक करने के लिए उसमें खातिम ने अपनी को आर्टिस्ट को कहा कि कोई बात नहीं है रियल थप्पड़ मारना चाहिए मेरी वो जिसको कह दिया नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा वो दूसरी जो थी वो हमारी एक इंडियन आर्टिस्ट थी वहीं की लोकल दुबई बेस्ड थी उस लड़की ने कहा मुझे मार देना कोई मसला नहीं है रिएक्शन अच्छा आएगा अब वो रूम में आपको क्या बताऊं इससे कोई 3 गुना बड़ा रूम था जिसमें हम वो शूट कर रहे थे और हम कॉर्नर पे थे वो बिल्कुल और बाकी कैमराज वगैरह के पीछे हम लोग खड़े हुए थे ताकि वो गैप रहे उधर वो मुकदमा होते होते उसने थप्पड़ मारा उसको तो उस लड़की की ग्लासेस जो है वो उड़ते हुए दूसरी दीवार में आके टकराए इतनी जोर से थप्पड़ मारा लेकिन वो बेचारी क्योंकि एक दफा थप्पड़ खा चुकी थी तो वो निकली नहीं अपने सीन से उसने पूरा सीन करवाया उसके बाद देखा तो उसका होंठ फटा हुआ था यार ये छोटी ये थी मैंने कहा किस चीज का गुस्सा निकाला हम जलपरी कर रहे थे तो एक साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए और उनको अदाकारी का बहुत शौक और उनके साथ हमारा एक्शन सीक्वेंस तो मैंने जिसमें मुझे तो मारना हुआ के फिट करते तो मैंने सरमत से कहा सरमत सुल्तान को सर उसको डायरेक्ट करता है मैंने कहा एक मतलब सीयर कर देते ताकि ऐसे लगे ना या मुझे ना लगे तो नहीं सही आप तो मुझको थप्पड़ मारे वो जोर से लग जाएगा मेरे भाई क्योंकि जब आप सीन कर रहे थे ना तब आप तुम्हारे से करके भी दिखाया भाई यूँ है तो आप यूँ कर लेना उसके फिर देखना फिर मैं यूँ मारूंगा आप इधर यूँ कर लेना उसने कहा नहीं सही आप मुझे मारे मैंने कहा यार वो बहुत जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ड्रामे में उसका भाई मर गया और उसे तो मैंने कहा उसका भाई मर गया मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा तो अगर ये मैंने उसी इमोशन में जा रही तो इसको ज्यादा कह देगा वो साहब नहीं मारे एक्शन थप्पड़ मारा वो नहीं था भाई जान बेहोश वो टाइमिंग होती है ना टाइमिंग को ऐसी बने उसको लग गया और वो देगा भाई भाई तरह के सीन दिखवाने चाहिए उसको बोलू एक्शन तो मैं बड़ा हैरान था मारू तो उसका पूरा सर उड़ जाएगा तो फिर जब एक्शन बोला वो ऐसे ही करता ना आखिर में उसने ऐसे ही किया तो मैं पलक झपकते ही मैं हीरो को पकड़ के मारते हैं और ये कर मैंने कहा उधर डायरेक्टर ने कहा एक्शन अच्छा मैंने बता दिया था पहले मैंने कहा मट्टी में गिराओगे तो मट्टी में आप सिर्फ मट्टी पे पैर मारोगे तो मट्टी उड़ेगी तो लगेगा वो मुझे मार रहे और वो सारा मैं दे दूंगा अब 5 बंदे 3 उसके गार्ड और वो मूछों वाले दाढ़ी वाले बलोच प्योर बलोच लड़के उन्होंने खेड़ियां पहनी थी उसने नादिर ने मुझे पकड़ के नीचे गिराया और उसके बाद उसके गार्ड ने जो मुझे मारना शुरू किया अंकल के आपके साथ अब मैं मिटाऊं मैंने कहा फिर मैंने यू कहा मैंने कहा कौन मार रहा है मारना नहीं हम नजर वो नीचे करके मैंने कहा मैंने मारो नहीं यार बहुत हो गया अब उसने ये बोला ही था इकबाल यूसुफ ने वो पूरा समय क्या बोलते वो किरू का पहाड़ बनाया हुआ था वो जैसे बोले ओके
छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक में हमारा साथ इस शो में छोड़कर जाएंगे मुनव्वर अंकल और भाभी. इनके बाद जो गेस्ट आएंगे उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन इस वक्त हम मुनव्वर अंकल को और भाभी को कहेंगे थैंक यू सो मच आपके आने के लिए. हमारी ईद आपने दुबारा कर दी, डबल कर दी. इस ईद पे आपका बहुत सारी दुआएं हमारे साथ. थैंक यू सो मच और शुक्रिया. तो हमें याद रखिए बिल्कुल खैर मुबारक. Ready.